क्लास मैंने आपको 7 चैप्टर में सातवीं पूरी चैप्टर पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको 3 पैराग्राफ्स पढ़ा दिए थे। अब मैं आपको 4 पैराग्राफ पढ़ाऊंगी। उससे पहले मैं आपको 3rd पैराग्राफ बताती हूँ आपको याद दिलाने के लिए। गर्मियों के दिन थे, सूरज आग बरसा रहा था। पैदल चलते चलते उसे भूख और प्यास लगने लगी। इधर उधर नज़र दौड़ाई। सड़क से थोड़ी दूरी पर उसे कुछ दुकानें नज़र आईं। वह जल्द ही उस ओर कदम बढ़ाने लगा। उसने कुछ दुकानें उसमें से कुछ दुकानें खाने पीने की भी थीं। वह एक बड़ी सी दुकान के बाहर पहुंचा। वहां लिखे दाम देखकर उसका कि अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। जब उसने दाम लिखे हुए देखा तो उसकी दुकान के अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई। उसे सब कुछ बहुत महंगा लग रहा था। वह मन ही मन में अपने आप को कोसने लगा लगा कि घर से ही कुछ खाने के लिए क्यों नहीं लेके आया। अब इसके आगे मैं आपको बताऊंगी, ध्यान से सुनिएगा। तभी उसकी नज़र हलवाई की एक छोटी सी दुकान पर गई। किसकी? अनोखे लाल की नज़र एक हलवाई की छोटी दुकान पर गई। वह उस ओर बढ़ गया और उसने दुकान से 7 पूड़ियाँ खरीदी और एक पेड़ के नीचे साफ सुथरी जगह पर बैठकर उन्हें खाने लगा। उसने एक पूड़ी खाई, दूसरी पूड़ी खाई, तीसरी पूड़ी खाई, लेकिन उसका पेट नहीं भरा। इस तरह उसने एक एक करके 6 पूड़ी खा ली, 6 पूड़ियाँ खा ली और उसका पेट नहीं भरा। तब उसने 7वीं पूड़ी उठाई और उसे भी खा गया। इस बार उसका पेट भर गया। जब उसने एक पूड़ी खाई तब भी उसका पेट नहीं भरा। फिर उसने दूसरी पूड़ी खाई तब भी नहीं पेट भरा। तीसरी पूड़ी खाई तब भी नहीं भरा। चौथी पूड़ी खाई तब भी। इसी तरह उसने एक एक करके सारी पूड़ियाँ खा ली तब भी उसका पेट नहीं भरा। तो क्या सभी तभी उसकी नज़र हलवाई की एक छोटी दुकान पर पड़ी। किसकी? अनोखे लाल की नज़र एक छोटी सी दुकान पर पड़ी। वह उस ओर बढ़ गया। कौन? अनोखे लाल। किस ओर बढ़ गया? हलवाई की दुकान की ओर। उसने दुकान से 7 पूड़ियाँ खरीदी। किसने? अनोखे लाल ने 7 पूड़ियाँ खरीदी और एक पेड़ के नीचे साफ सुथरी जगह पर बैठ कर उन्हें खाने लगा। कौन गया? कहाँ गया? अनोखे लाल ने पूड़ियाँ खरीदी और एक पेड़ के नीचे साफ सुथरी जगह पर जाकर बैठ कर उन्हें खाने लगा। कौन? अनोखे लाल। उसने एक पूड़ी खाई। किसने? अनोखे लाल ने दूसरी पूड़ी खाई, तीसरी पूड़ी खाई, लेकिन उसका पेट नहीं भरा। किसका? अनोखे लाल का। इस तरह उसने एक एक करके 6 पूड़ियाँ खा ली पर उसका पेट नहीं भरा। तब उसने 7वीं पूड़ी उठाई और उसे भी खा गया। किसने 7वीं पूड़ी उठाई? अनोखे लाल ने। 7वीं पूड़ी खाते उसको क्या हुआ? उसका पेट भर गया। जब तक उसने 6 पूड़ियाँ खाई उसका पेट नहीं भरा। उसने जैसे 7वीं पूड़ी उठाई, उठाने के बाद जैसे उसने खाया उसका पेट भर गया। इस बार उसका पेट भर गया। जब उसने 7वीं पूड़ी खाई तब उसका पेट भर गया। तो क्या है, इसको एक बार फिर से रिपीट करेंगे, ध्यान से सुनिएगा। तभी उसकी नज़र हलवाई की एक छोटी दुकान पर पड़ी। हलवाई की छोटी दुकान पर पड़ी। जब उसने देखा कि एक बहुत बड़े होटल के सामने गया तो उसने उसके प्राइस देखे। तो वहाँ पे जब उसने उस सारी चीज़ों के दाम लिखे हुए देखे तब उसने क्या कहा कि दाम देखकर ही उसके होश उड़ गए और उसकी अंदर जाने की हिम्मत नहीं हुई और वहाँ से वह चला गया और मन में सोचने लगा था कि
इससे अच्छा तो मैं घर से ही कुछ खाने के लिए ले आता। तब उसकी नज़र एक हलवाई की छोटी सी दुकान पर पड़ी। वह उस ओर बढ़ गया। उसने दुकान से 7 पूड़ियाँ खरीदी और एक पेड़ के नीचे साफ सुथरी जगह पर बैठकर उन्हें खाने लगा। उसने एक पूड़ी खाई, दूसरी पूड़ी खाई, तीसरी पूड़ी खाई, लेकिन उसका पेट नहीं भरा। इस तरह उसने एक एक करके 6 पूड़ियाँ खा ली और उसका पेट भर गया। तब उसने 7वीं पूड़ी उठाई और उसने कहा, उसने उसे भी खा लिया। 7वीं पूड़ी उठाई और उसे भी खा लिया। इस बार उसका पेट भर गया। कि थैंक यू स्टूडेंट्स, के आगे मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक के लिए आप इसे रिपीट करते रहिए। ओके, थैंक यू।